हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कोरबी यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वंस अगेन। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट व्हाट इज लिंक लिस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इन डेप्थ, यानी कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट्स को लिंक लिस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। सो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने कुछ लिंक लिस्ट के प्रॉपर्टीज़ मेंशन किए हुए हैं। तो पहले समझते हैं कि लिंक लिस्ट होता क्या है एंड फिर हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ को भी समझेंगे। तो लिंक लिस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है एक डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, अभी भाई मुझे डबली लिंक लिस्ट कैसे मालूम पड़ेगा जब मुझे लिंक लिस्ट ही नहीं मालूम है? कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बता दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, अपना इसको करते हैं हम लोग ब्लैक और हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो डबली लिंक्ड लिस्ट अगर हमें आपको समझाऊं तो आप समझिए कि एक ट्रेन है। ठीक है, ये ट्रेन एक दूसरे के डब्बे से, यानी कि ट्रेन क्या होता है डब्बा, ये डब्बा जो है वो एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा भाई इंजन हो गया, और ये हो गया डब्बा नंबर वन, डब्बा नंबर टू, डब्बा नंबर थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, और ये हो गया हमारा इंजन क्या है जीरो पे है। तो लिंक लिस्ट की बात करें तो ये अगर आप समझेंगे तो एक के बाद एक कनेक्टेड है। एंड डबली लिंक लिस्ट की बात करें तो ये क्या होता है, जो पहला एलिमेंट है ना, इसका मतलब हम लोग जब डब्बा, रेलवे का जो डब्बा होता है, उस डब्बे के आगे भी हम लोग कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं और पीछे भी ऐड कर सकते हैं, और अगर बीच में ऐड करना रहेगा तो हमें इस सारे चीज़ों को हटा के यहाँ पे एक डब्बा डालना पड़ेगा, करेक्ट। और इस डब्बे को हम मुझसे इससे कनेक्ट करना पड़ेगा और इस डब्बे को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा इससे। तो कुछ इस तरीके से लिंक लिस्ट काम करता है, यानी कि सो अगर इसको और अच्छे वे में समझे तो जो भी मेरे पास डब्बा है, ठीक है, जो भी मेरे पास इंजन है, तो उस इंजन में क्या होगा, बहुत सारे डब्बे कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से। ठीक है, और जितनी बड़ी ट्रैक रहेगी मैं उतना डब्बा ऐड कर सकता हूँ, यानी कि इसका कोई साइज़ जो है वो क्या रहेगा, बेसिकली फिक्स साइज़ नहीं रहेगा, करेक्ट। और इस डब्बे के आगे भी कभी कभी आप देखते हैं कोई एक नया डब्बा ऐड हो जाता है, यानी कि एक और इंजन ऐड कर सकते हैं हम लोग अगर डब्बा का क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो यहाँ पे भी हम लोग एक इंजन ऐड कर देते हैं। तो सपोज़ अगर इसका इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, ये रहेगा डब्बा नंबर वन कहलाएगा, ये टू कहलाएगा, ये थ्री कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, हमारा डब्बा नंबर फोर। तो लिंक लिस्ट का कंसेप्ट ये होता है। और डब्ली लिंक लिस्ट में क्या होता है ना कि हम लोग दोनों तरीके से, दोनों साइड से ऐड कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट्स को। अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ऐड फर्स्ट कर सकता हूँ, लास्ट में करना है तो लास्ट में कर सकता हूँ, मिडल में करना है तो मिडल में भी कर सकता हूँ बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिंक लिस्ट एंड डबली लिंक लिस्ट। अभी हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है, जावा लिंक लिस्ट क्लास कैन कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स, यानी कि लिंक लिस्ट के अंदर हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, यानी कि वन वन या फिर अगर हम लोग टू टू ऐड कर रहे हैं तो वो इस चीज़ को क्या करेगा, अलाउ करेगा। ठीक है, लिंक लिस्ट क्लास मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में हम लोग ऐड करेंगे उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स हमें डिस्प्ले होगा, यानी कि अगर हम लोग डब्बा को टू को डब्बा वन के बाद ऐड करते हैं तो वो हम लोग जब देखने भी जाएंगे तो क्या होगा, डब्बा टू जो है वो डब्बा वन के बाद ही हमें दिखाई देगा। ये नहीं कि डब्बा टू को हमने डब्बा वन पे ऐड किए और जब हम लोग थोड़े टाइम बाद आते हैं तो मालूम पड़ता है कि भाई डब्बा टू तो डब्बा फोर के बाद लग चुका है, तो ऐसा नहीं होगा। जिस ऑर्डर में हमने इंसर्ट किया रहेगा, डब्बा वन के बाद डब्बा टू, डब्बा टू के बाद डब्बा थ्री, तो वो उसी ऑर्डर में हमें जो है वो आउटपुट में भी मिलेगा। नॉन सिंक्रोनाइज्ड, यानी कि नॉन थ्रेड सेट, बेसिकली आप ये समझिए कि हम लोग कभी भी कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ऑन लिंक लिस्ट, यानी कि डब्बे के ऊपर। इन जावा लिंक लिस्ट क्लास मैनिपुलेशन इज फास्ट बिकॉज ऑफ नो शिफ्टिंग नीड टू अकर, इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप मैनिपुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उस केस में, मैनिपुलेशन यानी कि इंसर्ट
क्रिएट अपडेट डिलीट कुछ भी चीज़ें परफॉर्म करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उस केस में आप लिंक लिस्ट इज़ अ गुड चॉइस। नाउ लिंक लिस्ट क्लास कैन बी यूज एज अ लिस्ट स्टैक और क्यू। अभी ये क्या हो गया भाई, ये अभी नया कॉन्सेप्ट क्या आ गया। सो स्टैक क्या होता है कि मेरे पास एक है प्लेट, प्लेट के ऊपर मैंने एक लगा दिया है बाम्बू, ठीक है, ये कहलाएगा मेरा स्टैक। अभी इसके ऊपर अगर मैं सपोज कुछ एक कुछ ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता हूँ, फिर उसके ऊपर मैं एक और दूसरा ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता हूँ, तो ये क्या होगा स्टैक में जब भी मुझे एलिमेंट्स को निकालने रहेंगे, तो अगर मुझे एलिमेंट्स को ये निकालने हैं तो पहला मैं ये निकालूंगा, फिर ये निकालूंगा, फिर ये निकालूंगा, फिर ये निकालूंगा। इसका मतलब जो मेरा लास्ट में आएगा वो मेरा पहला जाएगा, तो लास्ट इंसर्ट फर्स्ट आउट, लिफो प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं लिफो प्रिंसिपल। सो स्टैक क्या फॉलो करता है हमारा लिफो प्रिंसिपल्स को। क्यों क्या हो गया, क्यों मतलब होता है कि सपोज हमारे पास क्या है एक टिकट काउंटर, ठीक है, टिकट काउंटर है, इस टिकट काउंटर के ऊपर यहाँ पे प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे बहुत सारे इंसान खड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे इंसान खड़े हैं, अच्छे वाले इंसान जो कि हम लोग कोडिंग सीखने वाले इंसान हैं, ठीक है। तो क्या होगा जब टिकट खरीदने ये जाएगा तो जो लास्ट में आएगा उसको टिकट पहला नहीं मिलेगा, यहाँ पे झोल झपाटा नहीं करना है, ठीक है। सो अगर ये टिकट ये चाहेगा तो जो पहला आएगा उसको ही पहला टिकट मिलेगा, जो दूसरा आएगा उसको इसके बाद मिलेगा, इसके बाद इसको मिलेगा, इसके बाद इसको मिलेगा, मतलब फर्स्ट इन टिकट लेके निकलो भाई। तो ये काम करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे, ठीक है। ब्लैक में टिकट नहीं खरीदना है यहाँ पे, वो लॉजिक मत लगाइएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया स्टैक मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीफो मतलब हो गया यानी कि हमारा क्यू, क्यू का कंसेप्ट पकड़ेंगे हम लोग। तो ये हो गया ओवरऑल कंसेप्ट, अभी हम लोग इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आके इम्प्लीमेंट करते हैं और वहाँ पे मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट मेथड और सारे मेथड के इन डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप समझ भी नहीं सकते मैं कितना मोटिवेट होता हूँ जब मैं सब्सक्राइबर या फिर लाइक वीडियो पर रिसीव करता हूँ और आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट करता है कि आप वीडियो देखें, आपको कुछ डाउट हुआ और मुझे उस पर आंसर करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है, तो इससे अच्छा इंटरेक्शन बनेगा हम दोनों के बीच में। सो ट्राई कीजिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। सो अब डायरेक्टली मूव करते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर और कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। सो ये है मेरा एक्लिप्स आईडी और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स मैं नोट कर ले हैं, ये पॉइंट्स मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। ये पॉइंट्स लिखने का मतलब क्या है कि आप कौन सा कंसेप्ट समझ रहे हैं और मैं कौन सा कंसेप्ट समझाऊंगा, इससे क्या होगा काफ़ी ईजी रहेगा आपको समझाना भी और मुझे समझाना भी। तो मैंने एक क्लास क्रिएट कर दिया लिंक लिस्ट एग्जांपल करके, एंड इसमें हम लोग समझने वाले कि हम लोग लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, एलिमेंट्स कैसे ऐड करेंगे, इटरेट कैसे करेंगे, लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला। रिमूव कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना है, गेट फर्स्ट गेट लास्ट कैसे करना है फ्रॉम लिंक लिस्ट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये लास्ट के दो पॉइंट्स तो आपको इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, ठीक है। पीक फर्स्ट पीक लास्ट क्या होता है, पोल पोल फर्स्ट पोल लास्ट क्या होता है, तो इस सब के एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड लास्ट में हम लोग सीखेंगे साइज मेथड ऑफ लिंक लिस्ट जो कि बहुत ही सिंपल है। तो पहला हम लोग क्रिएट करेंगे लिंक लिस्ट। सो लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए जावा के अंदर एक क्लास होता है जिसका नाम होता है लिंक्ड लिस्ट। सो यहाँ पर आप टाइप करेंगे लिंक्ड लिस्ट तो देखेंगे यहाँ पे सजेशन में आ जाएगा आपको लिंक लिस्ट करके, ठीक है। इस पर यहाँ पे क्या करना है, हिंटर करना है। और ये जो पैकेज होता है लिंक लिस्ट, ये जो क्लास होता है लिंक लिस्ट, ये प्रेजेंट होता है अंडर जावा डॉट यूटिल पैकेज। सो आप देखेंगे ना डब्ल्यू लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिस्ट एंड डी क्यू इंटरफेस है। सो जो आपको बताया था मैंने लिस्ट लिंक जो होता है, लिंक लिस्ट जो होता है, यह इंटरनली इम्प्लीमेंट करता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट को। आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कौन सा ऑब्जेक्ट्स आप इसमें स्टोर करना चाहते हैं, यानी कि कौन से
क्लासेस यानी कि रैपर क्लास हम लोग मेंशन कर सकते हैं या फिर स्ट्रिंग क्लास मेंशन कर सकते हैं। सो अगर सपोज मुझे यहाँ पे स्टोर करना है इंटीजर, तो मैं क्या करूँगा, इंटीजर क्लास मेंशन करूँगा, दैट इज रैपर क्लास। हम लोग प्रिमिटिव टाइप मेंशन नहीं कर सकते यहाँ पे, याद रखिए इंड हो गया। अगर हम लोग फ्लोट मेंशन करना चाहते हैं, कैरेक्टर मेंशन करना चाहते हैं, तो हम लोग वो चीज़ें नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे रैपर क्लास। सो फर्स्ट पॉइंट हमें ये नोट करना है। फिर हम लोग यहाँ पे लिंक लिस्ट के अंदर हम लोग डालेंगे नंबर लिस्ट, जो किसका नाम कहलाएगा। तो जो भी चीज़ हम लोग क्रिएट करते हैं, कोई बच्चा होता है उसका वो क्या करते हैं, हम लोग नामकरण करते हैं। वैसे हमने जब लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे तो उसका हम लोग क्या करेंगे, नामकरण कर देंगे। इक्वल टू यूज़ करेंगे, इक्वल टू के बाद हमें सिंपली यूज़ करना है न्यू कीवर्ड का, और फिर से हमें लिंक लिस्ट का क्लास को यहाँ पे हाईलाइट करना है, और इसके अंदर हम लोग बाद में जाके सेमीकोलन डाल के एंड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा नम लिस्ट का क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, जो है हमारा क्रिएट हो चुका। अगर मैं आपको यहाँ पे आपको साइज दिखाऊं, तो सीस आउट कर देंगे हम लोग, और साइज देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट नेम डॉट साइज मेथड। एंड कोड को रन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखेंगे राइट हैंड साइड में साइज क्या है, 0। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अच्छे से फॉर्मेट कर दूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइज, और इसको मैं सेव करके वापस इसको ऊपर के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे रन कर सकता हूँ, तो साइज इज 0। सो नाउ अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है, हाउ टू ऐड एलिमेंट्स इनटू लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड कैसे करेंगे, तो ऐड करने के लिए जस्ट हमें एक मेथड होता है ऐड मेथड। सो यहाँ पे नम लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट एक्सेस करेंगे, डॉट करके हम लोग ऐड। तो पहले में क्या है, ऐड इंटीजर। इंटीजर क्यों बोल रहा है यहाँ पे, बिकॉज हमने जो नम लिस्ट क्रिएट किया है वो टाइप कौन सा स्टोर कर रहा है, इंटीजर का, इसलिए यहाँ पे इंटीजर मांग रहा है। अगर हमने अगर फ्लोट का क्रिएट किया रहेगा, स्ट्रिंग का क्रिएट किया रहेंगे, तो ये क्या मांगेगा, स्ट्रिंग का मांगेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे, सपोज यहाँ पे मैं डालता हूँ 21। अगर मुझे यहाँ पे दो तीन और एलिमेंट ऐड करना है, टोटल 5 एलिमेंट्स, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, नम लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे मैं डाल दूँगा 34 एग्जांपल के लिए, कुछ और डाल देता हूँ मैं, टोटल 5 एलिमेंट्स, फटाफट नम लिस्ट डॉट ऐड 12, नम लिस्ट डॉट ऐड 56। टोटल मैंने 4 एलिमेंट्स ऐड कर लिए। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट से हमारा हाउ टू इटरेट ओवर लिंक लिस्ट। और अगर अभी इस चीज़ का साइज प्रिंट करेंगे ना हम लोग, तो साइज कितना आएगा हमारा, टोटल 4 आएगा। तो कोड को रन कर लेते हैं, देखिए साइज कितना आया, 4, बिकॉज टोटल 4 एलिमेंट्स नम लिस्ट कंटेंट्स। नाउ हाउ टू इटरेट ओवर लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट के ऊपर हम लोग इटरेशन कैसे परफॉर्म करें, यानी कि हम लोग एलिमेंट्स को लूप में एक्सेस कैसे करेंगे। सो यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है इटरेटर क्लास करके, तो हम लोग इटरेटर क्लास एक्सेस करेंगे, ठीक है। और इटरेटर क्लास में ही जो वैल्यू मिलेगा वो क्या रहेगा, अपना इंटीजर ITR एंड नम लिस्ट डॉट, यहाँ पे आप देखेंगे इटरेटर करके एक मेथड है, इस मेथड को हमें एक्सेस करना है, दैट्स इट। सो ये इटरेटर जो है रिटर्न करेगा इटरेटर ऑब्जेक्ट्स, और इसका टाइप क्या रहेगा, इंटीजर, बिकॉज ये जो नम लिस्ट है वो क्या करता है, इंटीजर है वो कंटेन करता है। अभी एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, while लूप, while ITR डॉट हैज नेक्स्ट, यानी कि जो इटरेटर ऑब्जेक्ट है इसमें अगर एलिमेंट्स नेक्स्ट प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नेक्स्ट मेथड जो हमें कॉल करना पड़ता है सिंपली। तो यहाँ पे मैं करूँगा sysout ITR डॉट नेक्स्ट, सो नेक्स्ट वैल्यू को मैं क्या करूँगा, एक्सेस करूँगा, और पॉइंटर जो वो नेक्स्ट पे मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं इसको ऑब्जेक्ट्स को रन करता हूँ, देखेंगे यहाँ पे 21, 34, 12 एंड 56। और इस चीज़ को अगर मुझे एक ही लाइन में प्रिंट करना रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दूँगा, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऐसा कर सकता हूँ कि दोनों कनेक्टेड है। कोड को रन करते हैं, देखिए 21 के बाद 34 आया, 34 के बाद 12, 12 के बाद 56, एंड इसके बाद हम लोग कोई भी और वैल्यू यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया इटरेटर। हम लोग यहाँ पे ना इटरेटर कंसेप्ट यूज़ किए, हम लोग फॉर ईच भी लूप यूज़ कर सकते हैं, लाइक फॉर इंटीजर ऑफ नम कमा नम लिस्ट, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे सीस आउट
ऑफ नम। अब ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पे मैं पहले लिख दूँ सिस आउट यूजिंग फॉर ईच लूप। तो ये फॉर लूप में कैसा होगा ना, फॉर लूप में हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मेंशन किया और ये ऑब्जेक्ट जो है इसका वैल्यू वन बाय वन इसमें असाइन होगा, लूप के अंदर जाएगा, वैल्यू प्रिंट करेंगे, वापस से नेक्स्ट वैल्यू असाइन होगा, वापस से वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से काम करेगा। अगर यहाँ पे मैं कोड को रन करूँ, देखिए आउटपुट क्या है, सेम आउटपुट हमें मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को स्लैश एंड कर देंगे जिससे नेक्स्ट लाइन में हमारा कंसोल पे प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। आई होप आपको यहाँ तक कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लिंक लिस्ट कैसे होते हैं, उसके इम्पोर्टेंट मेथड क्या होते हैं। फिर है हमारा रिवर्स लिंक लिस्ट, बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको ये चीज़ें याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है। तो ये चीज़ें क्या होगा, जब प्रैक्टिस करते रहेंगे आप, कोडिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको कंसेप्ट जो है वो याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नम लिस्ट डॉट डिसेंडिंग इटरेटर, ठीक है, डिसेंडिंग इटरेटर का यूज़ करना है। और ये क्या रिटर्न करता है हमें, अब देखेंगे यहाँ पे क्या रिटर्न करता है, इटरेटर का कंसेप्ट रिटर्न करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज़ यूज़ करेंगे, इसका नाम चेंज कर देंगे ITR1 से, यहाँ पे हमें यूज़ करूँगा और इसका कर दूँगा ITR1 इक्वल टू। और फिर यहाँ पे मैं सेम चीज़ while लूप यूज़ करके उसके वैल्यू को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे सॉरी इसको मैं कॉपी करता हूँ, करके यहाँ पे ITR1, यहाँ पे ITR1 और कोड को रन कर लेते हैं। देखिए 56, 12, 34 एंड 21, तो ये क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर में हो गया। अभी हाउ टू रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द लिंक लिस्ट, सिंपल है। रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रिमूव मेथड का। सो नम लिस्ट डॉट रिमूव, और जो भी इंटीजर पास करना रहेगा उस इंडेक्स पे, यानी कि जीरो पे क्या है 56, अगर मैं ज़ीरो पास करता हूँ और मैं वैल्यू को अगर प्रिंट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 56 रिमूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर फॉर लिस्ट लूप यूज़ करता हूँ, पे वैल्यू प्रिंट करता हूँ, और देखिए यहाँ पे, यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया था, प्लस और यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट देखिए, देखो 56 यहाँ से रिमूव हो गया। तो रिमूव मेथड में हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना, अगर हमें रिमूव किसी इंडेक्स पे करना है, रिमूव ऑब्जेक्ट को करना है, तो हम लोग वो चीज़ें कर सकते हैं परफॉर्म, ठीक है। तो हमें मैंने ज़ीरो पे किया था, ज़ीरो उस इंडेक्स पे जाके एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। और जितने भी लिंक लिस्ट होते हैं, लिंक लिस्ट में इंडेक्स होता है वो स्टार्ट होता है ज़ीरो से, तो ये चीज़ें भी आप पॉइंट्स में नोट कर लीजिएगा कहीं पे। एंड हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स फ्रॉम द लिंक लिस्ट, यानी कि एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, गेट करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे गेट मेथड का। यहाँ पे मैं करूँगा सिस आउट नम लिस्ट डॉट गेट, गेट में क्या है, गेट फर्स्ट, गेट लास्ट, गेट और इंडेक्स नंबर। तो हम लोग इंडेक्स के बेसिस पे लेके आएंगे और फर्स्ट और लास्ट भी लेके आएंगे, यानी कि अगर हमें पहला एलिमेंट चाहिए रहेगा तो पहला एलिमेंट हम लोग ला सकते हैं यूजिंग गेट फर्स्ट मेथड से, लास्ट ला सकते हैं यूजिंग गेट लास्ट से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इंडेक्स नंबर 2 पे लेके आएंगे, या फिर 2 पे हमें क्या मिल जाएगा 56, तो हमें क्या करेंगे पहले 12 वाला लेके आएंगे, ठीक है, बिकॉज नम लिस्ट के अंदर कितना एलिमेंट से, अभी 3 एलिमेंट से। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 1 और ये हो गया हमारा एलिमेंट्स, एट इंडेक्स 1, बंद करना है, प्लस करना है, ठीक है। अभी हमें फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सिस आउट फर्स्ट, फर्स्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, नम लिस्ट डॉट गेट फर्स्ट, और लास्ट के लिए ये चीज़ें बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट्स में आएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है, गेट फर्स्ट एंड गेट लास्ट। और लास्ट करना रहेगा तो हम लोग सिस आउट, यहाँ पे हम लोग कर देंगे लास्ट, सिंपल। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्पेस डाल के यहाँ पे नम लिस्ट डॉट गेट लास्ट, कोड को रन कर लेते हैं और इसका हम लोग आउटपुट देख लेते हैं कि, और वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो
एग्जैक्टली सेम है कि नहीं। सो 34 हमारा क्या हो गया फर्स्ट, और 56 हो गया हमारा लास्ट, और एलिमेंट्स एट इंडेक्स 1 इज 12। तो ये सारी चीज़ें हमारा प्रॉपरली चल रहा है, और वीडियो को इसी बात पे एक प्रॉपर एक लाइक दे दीजिए, एक बड़ा सा लाइक। ठीक नाउ, सबसे अच्छा कंसेप्ट और सबसे प्यारा कंसेप्ट हमारा, दैट इज पिक, पिक फर्स्ट एंड पिक लास्ट। एंड हम लोग देखेंगे कि पिक और पोल में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ और फिर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपको समझना। पिक मतलब क्या होता है कि पिक यानी कि जो पिक पे एलिमेंट रहेगा पहला टॉप पे वो रिटर्न करेगा। ठीक है, पिक फर्स्ट मतलब पहला एलिमेंट, पिक लास्ट मतलब लास्ट के एलिमेंट्स को ये रिटर्न करेगा, और पोल मतलब क्या होता है कि ये एलिमेंट्स को रिटर्न तो करेगा साथ में उसको वहाँ से निकाल भी देगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक सिर्फ एक्सेस करने के लिए होता है, एक होता है एक्सेस करो और उसको वहाँ से रिमूव भी कर दो। तो अगर आप एग्जांपल देखेंगे जैसे सिस आउट नम लिस्ट डॉट पिक, और मैं कोड को रन करता हूँ, तो आउटपुट में क्या 34। अगर सपोज मैं पिक फर्स्ट करता हूँ और कोड को रन करता हूँ, तो आउटपुट में क्या आया 34, बिकॉज 34 इज फर्स्ट एलिमेंट। और इसी चीज़ को अगर मैं पिक लास्ट करता हूँ और कोड को रन करता हूँ, आउटपुट में क्या आया 56। तो कुछ इस तरीके से पिक, पिक फर्स्ट एंड पिक लास्ट काम करता है। अभी मैं आपको बताऊँ पोल। सो पोल के लिए अगर मैं एग्जांपल दूँ, पहले हम लोग क्या करते हैं पोल करते हैं पोल। ठीक है, तो पोल में क्या करता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। इट डिट्राइव्स एंड रिमूव द हेड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो अगर मैं हेड को बात करूँ, तो अगर मैं रिमूव करता हूँ तो ये क्या रिमूव करेगा 34, बिकॉज लिंक लिस्ट का हेड यानी कि पहला एलिमेंट कहलाएगा हेड। ठीक है, जब एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे तो हेड को रिमूव करता है और सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे। अगर मैं यहीं पे अगर मैं करूँ वापस से फॉर लूप चलाता हूँ, ठीक है, देखिए फॉर लूप अगर मैं चलाऊँ पोल के बाद, तो वापस से मुझे उसमें से एक एलिमेंट्स और गायब हो जाएंगे। तो 34 इसने रिमूव कर दिया, और यूजिंग फॉर इच लूप आउटपुट में क्या आया 12 एंड 56 आया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको मैं करता हूँ सीस आउट पोल डॉट सॉरी नम लिस्ट डॉट पोल लास्ट, पोल लास्ट, पोल लास्ट क्या करता है रिट्राइव एंड रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट और रिटर्न्स नल इफ द लिस्ट इज एम्प्टी, यानी कि हमें ये कोई भी एक्सेप्शन थ्रो करके नहीं देगा। तो दिस इज एक गुड एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट। एंड अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है पोल लास्ट, अगर इस चीज़ को मैं अगर दो बार लिखूँ, तीन बार लिख दूँ, तो एलिमेंट्स कितने हैं, दो ही एलिमेंट्स बचेंगे पोल के बाद, और ये दोनों एलिमेंट्स 12 यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे पोल लास्ट, सो यहाँ पे 56 हो जाएगा, और 56 रिमूव करने के बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा सिर्फ 12 बचेगा, और यहाँ पर 12 रिमूव हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा, क्वेश्चन मार्क मतलब ब्लैंक। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलना चाहिए, नल मिलना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगा और रिटर्न्स क्या करेगा नल एज पर जावा डॉक। तो अगर मैं कोड को रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आया नल आया, और मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं आया बिकॉज फॉरेस्ट लूप के अंदर यहाँ पे एलिमेंट्स ही प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो ये इस लूप के अंदर भी नहीं जाएगा। एंड साइज मेथड, ये ऑलरेडी हमने देख लिया, हम लोग साइज मेथड को यूज़ करके जितने भी नम लिस्ट के अंदर साइज रहेंगे वो हम लोग देख सकते हैं। आई होप आपको काफ़ी वीडियो अच्छा लगा रहेगा। तो यही था ओवरऑल अबाउट लिंक लिस्ट कंसेप्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इन डेप्थ एनालिसिस। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद, हैप्पी लर्निंग, कोडमित।